रहीम, ये देखें व्यूअर्स, ये आज हम ना समोसे बनाने लगे हैं। वो आलू हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, ये मैदा तैयार करने लगे हैं हम टिक्कियों के लिए। तो ये हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं क्योंकि आलूओं के अंदर भी डाला है हमने, वो थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे। नमक डाल दिया, ये सफ़ेद ज़ीरा, एक गुड न्यूज़ भी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करेंगे। लाइक हमने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, दुआ करें कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ये ऑयल डालेंगे हम तकरीबन 2-3 चम्मच। चलो अब हम ना इसको हाथों से अच्छी तरह से ऐसे कर लेंगे। जो घी से जो गुठलियाँ सी बन गई हैं वो हम मिक्स कर रहे हैं अंदर ऑयल से। हम इससे आपको टिक्कियाँ भी बनाएंगे, नमकीन टिक्कियाँ, वो फिर नमक पारे बनाते हैं वो भी आपके साथ बना के शेयर करेंगे। तो बाकी वो आलूओं का जो मसाला मतलब वो अंदर डालते हैं, जो फिलिंग वगैरह करते हैं वो फिर हम आपको शेयर करेंगे। सारी करते हैं वो आपके साथ। ये मैं बना अभी करके, पहले मैंने कहा ये कर लूँ ना तो आपके साथ शेयर कर लें। थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर लेते हैं। जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे ही, लेकिन इतना हमने ज़्यादा ना इसको करना नहीं है, पतला नरम ही ज़रा रखना, बस दरमियाना हो, ना नरम ना सख्त। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम यकदम नहीं पानी ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम यकदम डाल दें तो फिर वो ये होता है ना कि पता नहीं ज़्यादा ही पड़ जाए, हम डब्बा दूसरा डाल लेना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये होता है, बंदे को पता होता है कि आप किस कंडीशन में है और इसमें कितना और पानी डलेगा या जो भी चीज़ है। ज़ीरा मुझे कम लग रहा है, ज़ीरा थोड़ा सा ऐड कर दो। ये हमने ज़ीरा और ऐड कर दिया। क्या प्रोमिनेंट हो रहा है ज़ीरा। थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना तो फिर मतलब सही हो गया। आलू बॉयल हो गए हैं, अब हम आलू को मैश करने लगे हैं। इनको अच्छी तरह से मैश करके फिर हम इसके अंदर जो अपने स्पाइसेस वगैरह हैं, हरी मिर्चें हैं, बंद गोभी है, प्याज है, वो ऐड करेंगे।
ये देखिए जी, आलू मैश हो गए हैं अच्छे तरीके से। अब हमने हरी मिर्च काटनी है। ये देखिए जी, ये मैंने हरी मिर्चें को पीस लिया है। अब ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये हमारी मिर्चें मिक्स हो गई हैं। अब हमने इसके अंदर स्पाइसी ऐड करने हैं, वो ऐड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं आप। ये देखें जी, वो अब ऑयल में प्याज ऐड कर दिया है हम, जो समोसे की जो क्या कहते हैं वो है ना भाजी, वो बनाने लगे हैं वो बाजार साइड में। ये देखें, ये देखें हमारा प्याज आलमोस्ट होने ही वाला है। अब हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे। ये देखें, ये हमने बंद गोभी ऐड कर दी। अब इसके बाद वो जो हमारे ये ज़रा थोड़ा सा फ्राई हो जाए, वो जो हमारे मैश आलू है फिर हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हम मसाले ऐड करेंगे। ओके, ये देखिए, ये हमारे स्पाइसी है, ये मतलब हाफ टेबल स्पून से कम तो लाल मिर्च है, ये जीरा है, ये हमारे पास गरम मसाला है एक चम्मच, ये हाफ टेबल स्पून दरर मिर्च है, ये बड़े वाला एक चम्मच हमारे पास साबुत धनिया का, ये हल्दी है थोड़ी सी, ठीक है। ये देखें, ये हमारी हो गई है। अब हम इसके अंदर अपने आलू की जो भाजी है ना जो बॉईल की हुई, वो ऐड करने लगे। ये देखें, ये हमने अपने आलू अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। फिर हम इसके अंदर, मेरे ख्याल से हमें स्पाइसेस भी ना साथ ही ऐड कर देने चाहिए। वेट, मैं स्पाइसेस, ये देखें, ये हमारे स्पाइसेस है, ये भी हमने ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मुझे दोनों हाथ यूज़ करने पड़ने हैं, कैमरा नीचे रखना पड़ेगा। चलो, तब तक आप वेट करें। ये मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया और थोड़ा सा चाइनीज़ टच देने के लिए। हमने ना जब आलू बॉयल किए थे उसके अंदर नमक ऐड किया था, ठीक है। अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया, आप टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। मैं टेस्ट करके, हाँ ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, हमारा क्या कहते हैं आलू की मोसो की, वो क्या कहते हैं उसको, मोसो में फिलिंग करने के लिए जो बाजी, हाँ बाजी रेडी हो गई है। चले, अब हम उसको जो समोसो के वो था मैदा बनाया उसका, उसकी हम क्या कहते हैं उसके पेड़े करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बने हैं। मामा कह रहे इसके अंदर अभी सूखी मेथी ऐड कर लेते हैं, वैसे डन है। स्पाइसी हमने बनाया है, हमने नहीं, मैंने बनाया। ये देखें जी, हमने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। चले, अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। चले, ये देखें ये हमारे समोसों की, बिस्मिल्लाह। एक दो बना दे, चल सही हो गया। इधर नीचे करके दिखाए ना,
ऐसे आपने आराम आराम से बेलनी है, ये भी तो बताएं। ये फैब्रिक का नहीं, हमारा हमने न्यू लिया है, ये प्लास्टर का है। बेलन तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी इस पे बेली जा रही है। देखें कोई मतलब आटा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर वैसे भी ऑयल डाला हुआ है ना, तो लेकिन फिर भी लकड़ी के ऊपर ना वो जुड़ जाती थी। इसके ऊपर ये है कि ये चिमट नहीं रही साहब, चिपक नहीं रही। ये देखे माशाल्लाह से, और मुझे कटिंग करते हैं। छुरी किधर है? ये देखें हम दरमियान से ना, सेंटर से, सेंटर से इसको ये देखें। ये देखिए अब दूसरा बेलने लगे हैं। हमने कहा दो तीन आपको दिखा दें फिर बाकी फिलिंग करते हैं। यस, देखिए आपने आराम आराम से बेलना है। जितना मर्जी फैलाए वो फैलती जाएगी। लागे तो मैंने ये काफी दिनों का रखा है लेकिन यूज आज पहले दिन कर रही हूँ। समोसे कह रहे थे हमें ये हमारे लिए यूज करें। ये देखे व्यूवर्स अब हम इसकी फिलिंग करने लगे हैं। आपने अपनी नीड के मुताबिक जितना आपको मटेरियल उसके अंदर रिक्वायर्ड है आप उतना उसके अंदर मटेरियल ऐड करें। ये देखें एक, अब हमने इसकी यहाँ पे कॉर्नर्स पे पानी लगाना है और इसको ऐसे प्रेस कर दें। दैट्स इट। ये देखें, ये देखें, ये हमारे दो रेडी हो गए। मैं एक और आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है। तो ये देख लेते, इसको यहाँ से आपने पानी लगाना है और इसको यहाँ से पकड़ के बंद कर देना है। ये देखें, ये देखें, अब इसके अंदर हमने जो अपना मटेरियल है वो ऐड करना है। मदन आप मेरा फेस लेके आ रही है? नो, ये अब इसको ऊपर से आपने वैसे फिर पानी लगा के अच्छी तरह से मटेरियल को नीचे काट दें, हम ये बंद कर दें। ये हमारा समोसा रेडी।
ये आप पे बनाने हैं समोसे। अभी हम फिलिंग कर रहे हैं साथ साथ, मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि अम्मी ये बेल रही हैं और मैं फिल कर रही हूँ, सो दैट्स वाई। व्यूअर्स, ये आपने इक्वल साइज पे रखना है यहाँ पे, फिर आपने पानी लगाना है। मैं आपको गेंद बता रही हूँ कि आपने कैसे इसको बंद करना, ये देखिए ठीक है, ये होगी अच्छी तरह बंद करना कि खुल ना जाए। ये अब हमने अंदर फिलिंग ऐड कर दी है, ये देखिए हमारी फिलिंग ऐड हो गई है। ये देखे व्यूअर्स, ये हम नमक पारे बनाने लगे हैं, ज्यादा छोटा वो बड़ा गरा हो गया। ये देखे एक वीडियो में दो रेसिपी। ये आप शाम को चाय के साथ एज अ स्नैक के तौर पे यूज कर सकते हैं, है ना। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं अगर वो नमकीन चीज़ें ज़्यादा लाइक करके खाते हैं। टेढ़े से ऐसे काटते हैं कर्व लाइन में, यस, बाजार जैसे नमक पारे घर पे बनाए। व्यूवर्स, मैंने ऑयल गरम होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है, ठीक है, और ये हमारे समोसे हैं जो हमने फ्राई करने हैं। चले जब तक ऑयल गरम होता है तब तक हम वेट करते हैं। और देखिए व्यूवर्स, ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर समोसे ऐड करने लगे। ये देखिए ये देखें व्यूवर्स, हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं, उधर हमें नमक पारे बना रही हैं। जब हमारे समोसे फ्राई हो जाएंगे फिर हम नमक पारे फ्राई करेंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। होप सो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। ओके, ये देखें मैंने एक साइड से टर्न कर लिया, अब दूसरी साइड फ्राई हो रही है। ये देखें इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है इसको। ओके, ये देखो कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से एक साइड पे कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन, अब हमने दूसरी साइड पे ऐसे ही कलर करना है, तो फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे, है ना। एंड प्लीज़ 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 दुआ करिएगा मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ये देखिए जी, ये मैं अपने समोसे डिश आउट, ये
ये देखिए व्यूवर्स, हम नमक पारे ऐड कर रहे हैं। चेक करें, ये देखिए तो मोबाइल भी ना साइड पे चला जाता है। चलें अभी इतने हम करते हैं, बाकी बाद में। ये देखिए, ये देखिए आप नमक पारे इनको फ्राई करके रख सकते हैं किसी भी बंद डिब्बे में, ताकि ये सिल्ले ना हो जाए। और फिर आप चाय के साथ इसको जब मर्जी आपका दिल करे आप खा सकते हैं। ये देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए थे, मैंने कहा नमक पारे भी आपको रेडी करके दिखा दूँ। ये कुछ मिनट से डालते हुए चुड़मुड़े से हो गए हैं, पर कई बात नहीं, शॉप से भी ऐसे ही मिलते हैं, समझे ये शॉप वाले नमक पारे हैं। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। ये देखें इनका जो है नमक पारे अपना कलर चेंज करना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ कि कैसा इनके प्रोसेस चल रहा है या कैसा इनका कलर आ रहा है। ये देखें व्यूअर, एक साइड से एक साइड पे गोल्डन कलर आ गया है, मैंने इनकी साइड टर्न कर दी है। अब दूसरी साइड पे भी कलर आ जाएगा, फिर हम उसको निकाल लेंगे और फिर बाकी वो जो रिमेनिंग नमक पा रहे हैं उनको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके ये देखिए जी माशाल्लाह से नमक पारे रेडी हो गए हैं, मैं इनको निकालने लगी हूँ। अब हम इसके रिमेनिंग नमक पारे होंगे वो ऐड करेंगे, नमक पारे नॉट नमक पारे। ओके ये मैं रिमेनिंग नमक पारे ऐड कर रही हूँ। व्यूवर्स नमक पारे बहुत ही मज़े के बने हैं, क्रिस्पी क्रंची है देखें, बहुत ही क्रंची है, क्रिस्पी है और बहुत मज़े के बने हैं। और ये हमारे समोसे हैं, ये भी हम आपको ना तोड़ के दिखाते हैं कैसे हैं, क्या अंदर से लुक आई है उसकी। ये देखें सॉफ्ट क्रिस्पी क्रंची, ये देखें अंदर से भी इसकी बहुत मज़े की लुक है। चले हम आपको डिप करके, ये देखें दही में कैचे, अब मैं खा नहीं सकती, मेरा गला ख़राब है। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत ज़्यादा।